हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकल्स लाइफ। तो आज हम बना रहे हैं डोनट्स जो कि बिना ईस्ट के हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में 3/4 पिसी हुई चीनी डालेंगे और 3/4 प्लेन दही, 2-3 पिंच नमक और सभी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि चीनी घुल जाए। 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम 1/4 कप पिघला हुआ बटर या कोई भी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। के बाद 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीमी ना बन जाए। तो ये अब मिक्सचर क्रीमी दिख रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर और मैदा। इसको हमें धीरे धीरे मिलाना है और सारा मैदा हमें एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा कर मिलाना है। डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 30 मिनट बाद हमें इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेंगे और हम दोनों हाथ को गीले करके इसका बोल बनाएंगे। बोल बनाने के बाद इसमें हमें सेंटर में छेद करना है और जो भी हमारा सरफेस है उसको प्लेन कर लेंगे। हमारा मिनी डोनट तैयार है। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है जो कि मीडियम हॉट ऑयल है। इसमें हमें डालना है और फ्राई करना है तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जो जो डोनट ब्राउन होते जाएंगे उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे डोनट तैयार हो गए हैं और इस पर अब मैं पाउडर शुगर को डस्ट कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसमें आप चॉकलेट डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर बनाएं। और एक अब हम तोड़ के देखते हैं कि कैसा बना है। तो ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है और फ्लफी भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।